आप देख रहे हैं के जी एन मिथिला न्यूज में रियाज फैसल। चलिए आज बेनीपट्टी में जो है आए हुए हैं, आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है। देख रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पे लगातार जो है पूरे जोर शोर से जो है निरीक्षण कर रहे हैं और सभी लोगों को जो है देख रहे हैं कि जो है मतलब सब अपने अपने घरों में है और सभी दुकानें बंद है। और प्रशासन इस कोशिश में लगातार है कि जो सरकार का जो नियम है कानून है उसको जो पालन किया जाए लोगों के द्वारा, जिसमें जो विशेष बढ़ चढ़ करके जो प्रखंड विकास पदाधिकारी जो मनोज कुमार और अंचल अधिकारी जो है पल्लवी कुमारी गुप्ता, ये दोनों ही आज साथ साथ जो है घूम रही है और सारे दुकानों को बेनीपट्टी में जो है लगातार बंद करवा रही है, लोगों को अच्छा से नियम का पालन करवा रही है। चलिए चलते हैं, देखते हैं लोग कैसे निरीक्षण करती है। लोग देख पा रहे हैं पूरे बारिश में और इस ढंग से जो है ये लोग कर पा रहे हैं निरीक्षण। चलिए हम उन्हीं के साथ अभी जो है चल रहे हैं, देख पा रहे हैं जो कितने सख्ती से जो है ये लोग खुद जो है तैनात हो करके जो है दुकानों को बंद करवा रही है। और बहुत ही ऐसा होना भी चाहिए कि लॉकडाउन के जो है नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें बहुत ही जोरों शोर से प्रखंड विकास पदाधिकारी जो मनोज कुमार और अंचल अधिकारी पल्लवी कुमारी गुप्ता, ये दोनों ही मिल करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कोरोना वायरस से डरिए, सरकार ने जो लॉकडाउन का नियम लगाया है उनका पालन कीजिए। अगर हम लोगों को कोरोना वायरस के जंग को जीतना है, कोरोना वायरस को हराना है, तो हम लोगों को घर में रहना होगा और मास्क लगा करके ही जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना है। जो सरकार ने निकलने का जो समय बता जो जन दिया है जिन चीज़ों के लिए घर से बाहर निकलना है तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें, बिना मास्क घर से बाहर ना निकले। देख पा रहे हैं जो सतर्क उठा करके प्रशासन सतर्क उठा करके चेक कर पा रहे हैं जो अंदर में पब्लिक है या नहीं है। ऐसा होना भी चाहिए कि जो है प्रशासन को इतने सख्ती से कर लोगों को पता हो कि वास्तव में कोरोना वायरस है क्या, और तब जाकर के हम लोग कोरोना वायरस का जंग को जीत पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।